दोस्तों जब से पोको F1 फोन लॉन्च हुआ था दोस्तों मार्केट में आग लगा दी थी। 20,000 में दे रहा था आपको स्नैपड्रैगन 845, कैमरा भी अच्छा था, बैटरी भी अच्छा था, ओवरऑल गुड स्मार्टफोन। लेकिन जब से दोस्तों इसमें इश्यू फेस हुआ, स्क्रीन बिल्ड का इश्यू फेस हुआ और नेटफ्लिक्स में आप 540 के ऊपर देख नहीं सकते, फुल HD में आप कोई भी स्ट्रीम नहीं देख सकते, उसके बाद उनके कुछ मार्केट वैल्यू डाउन हुए। लेकिन जो उनका स्क्रीन बिल्ड का इश्यू है दोस्तों, आज उनके बारे में बात करने वाले, उनका दोस्तों प्रॉपर सॉल्यूशन आ चुका है। दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे दोस्तों अनाउंस कर दिया कि वो कोई इश्यू नहीं है, वो कुछ और ही प्रॉब्लम है, वो अपडेट थ्रू ठीक हो सकता है। तो कैसे हो सकता है और क्या है इसके बारे में सारी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो फिर करिए शुरुआत। तो फिर चलो दोस्तों, Xiaomi बोल रहे हैं कि 0.3% स्मार्टफोन में ही इश्यू आ रहा है, यानी 1000 फोन में से 3 फोन में ही दोस्तों इश्यू फेस हुआ है। ये दोस्तों बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये मुझे हजम नहीं हुई बात कि दोस्तों मैंने जब रिसर्च किया है, देखा है, सुना है, 10 फोन में से दोस्तों 5 फोन में तो दोस्तों इश्यू फेस हुआ ही है और देखा भी है दोस्तों मैंने। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी बोल रही है कि ये कोई इश्यू नहीं है, ये एक ग्रेडियंट लाइट की वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको फेस हुआ रहा है, कोई इश्यू नहीं है और ये ठीक हो सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये दोस्तों बात कमाल हो, क्योंकि जब दोस्तों इश्यू आया था, मैंने दोस्तों रिसर्च किया था, यूट्यूब में भी देखते दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर भी ये बोल रहे थे कि ये कोई इश्यू है और ये दोस्तों हार्डवेयर बेस है, यानी सॉफ्टवेयर से दोस्तों इश्यू ठीक नहीं हो सकता, इसको अगर चेंज करना दोस्तों हार्डवेयर प्रॉब्लम, यानी हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, वो तो दोस्तों पॉसिबल है नहीं। दोस्तों आपने फोन लिया उसके बाद इश्यू परमानेंट है, लेकिन दोस्तों कंपनी बोल रही है ग्रेडियंट लाइट है और ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक हो सकता है, ये बोल रही कंपनी। अगर उनका अगला अपडेट आएगा MIUI 10 उनका अगला अपडेट आएगा, उसमें दोस्तों इश्यू को जो ग्रेडियंट लाइट है वो दोस्तों उसको निकाल देंगे, यानी इश्यू को खत्म कर देंगे, इश्यू को फिक्स कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ये दोस्तों मुझे कुछ बात हजम नहीं, क्योंकि बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं कि ये हार्डवेयर है, कंपनी बोल रही है सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक बात है दोस्तों सोचने वाली, अगर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इश्यू है तो अभी तक इतना टाइम क्यों लगा। दोस्तों पोको F1 लॉन्च हुआ उसका दोस्तों 1-2 महीना हो गया, लेकिन दोस्तों इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए दोस्तों कुछ भी अपडेट में। आप उसको फटाफट अपडेट में आप 1 वीक में अपडेट दे सकते हो, 3-5 दिन में अपडेट देके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये दोस्तों कोई छोटा इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा इश्यू है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तक आपने अभी क्या बोला, MIUI 10 में मिलेगा, उसके बारे में दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बार में देखने को मिल जाएगी, कब MIUI 10 पोको F1 में मिलेगा उसके बारे में है, वो तो दोस्तों जल्दी मिलेगा। लेकिन ये इश्यू के बारे में दोस्तों ऐसा कंपनी ने बोला है कि ये हो जाएगा। अगर आप दोस्तों फोन लेने की सोच रहे हो, और दोस्तों एक बार बता दूंगा दोस्तों यहाँ पे कई लोगों ने फोन को छोड़ दिया, क्योंकि इस इश्यू के बारे में, स्क्रीन बिल्डिंग के इश्यू के बारे में दोस्तों कई लोगों ने फोन छोड़ भी दिया। अगर आप फोन लेने की सोच रहे हो, आपको फोन लेना है, तो आप रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए, अपडेट आ जाए, इश्यू सोल्व हो जाए, बाद में आप ले सकते हो। अगर नहीं होगा तो आप कोई और स्मार्टफोन ले लो, कंपनी ने बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला। देखते हैं दोस्तों अपडेट कब मिलता है और कब इश्यू सोल्व होता है और क्या अपडेट के थ्रू इश्यू सोल्व होगा या नहीं। बस दोस्तों यही थी आज की पूरी वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आके लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हर बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल बटा। क्या देखना है दोस्तों, नवरात्रि भी दोस्तों आ गई है, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों नवरात्रि तो भी खेलिए और हमारे चैनल को भी देखते रहिए बार बार। बस दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।